तो इस DIY हेयर ऑयल को बनाने के लिए चाहिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल। आपको यहाँ फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है। ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा या आप इसको अपने घर पे भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो हमको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल और साथ में हमको चाहिए कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल जो भी आपके पास हो घर पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का कोकोनट ऑयल। और साथ में आपको चाहिए एक एम्प्टी कंटेनर जिसमें आप इस ऑयल को स्टोर करेंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए कि हमें इस ऑयल को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एलोवेरा के करने हैं स्मॉल क्यूब्स और उसके बाद हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसे हीट करके अपने लिए ऑयल प्रिपेयर करना है जिससे हमारे बाल बन जाएंगे, जिसे हमें अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और उससे हमारे बाल होंगे बहुत ज़्यादा लंबे, शाइनी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये हो चुका है हमारा ऑयल रेडी। हमने इसको एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लिया है। ये कम से कम अभी 1 महीना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से इस ऑयल को प्रिपेयर करके आप स्टोर कर सकते हैं और इसको आप रोज़ भी अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 2 बार भी इसे लगा सकते हैं। ये ऑयल बहुत ही मैजिकल ऑयल जिसे मैं कहती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। इससे हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, थिक रहेंगे बाल और आपको बिल्कुल भी हेयर फॉल की अगर प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। तो इस ऑयल को आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।